हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में। जब भी हमारे पास डेस्कटॉप नहीं होती है, पीसी नहीं होती है, तो हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने पर हमारे पास जो फ़ोटोज़ होती हैं हमारे फ़ोन में, जो मार्कशीट होती हैं, उनको रिसाइज करके उस फॉर्म के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ता है फॉर्म में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कितने साइज का चाहिए, केबी का चाहिए, कितने केबी का चाहिए, कितने साइज का चाहिए, कितनी विड्थ उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन सब को हम अपने फ़ोन से तुरंत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको सर्च करते हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी सर्च नहीं करना है, क्योंकि आपका भाई है ना, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पर लिखना है फ़ोटो रिसाइजर, ठीक है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको यहाँ पर लिखना है फ़ोटो रिसाइजर और बस सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो आपका ये चौथे नंबर पे आ रहा है, ये वाला आइकन देख लीजिए, ये इस वाले ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि क्या होता है, कभी कभी किसी ऐप की रैंकिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और रैंकिंग देखकर हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐप अच्छे निकल आते हैं। इसकी रैंकिंग हालांकि कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि 3.4 की रैंकिंग है इसमें, तो फिर भी हमने इसको इंस्टॉल किया और फिर देखा तो बहुत ही कारगर ऐप है ये, तो इसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर लिया है, फिर आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ अलाउड आएगा। इसमें एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट काफ़ी चलते हैं, तो मैं अभी इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें नो कर देना है, यहाँ पे नो थैंक्स में क्लिक कर देना है और फिर मैं यहाँ से इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इमेज सेलेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पहले नंबर तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इमेज सेलेक्ट, क्रॉप इमेज, है ना, और बहुत सारे ऑप्शन है। आपके सुविधा के अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे आप वो चूज़ कीजिए। मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने ये मार्कशीट ही उठा ली, इस मार्कशीट को मैंने उठाया। मार्कशीट उठाने के बाद यहाँ पर दो आइकन दिख रहे होंगे आपको, एक क्रॉप का दिख रहा है, एक रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको रिसाइज वाले ऑप्शन में जाना है, तो मैं रिसाइज वाले ऑप्शन में जाता हूँ। जैसे फॉर्म में अगर कोई भी विड्थ बताई गई है या पिक्सल बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको सेट करना है। तो हमको इस वाले ऑप्शन में जाना है, विड्थ एंड हाइट के ऑप्शन में जाना है। पिक्सल में हो तो पिक्सल में इसमें जाना है, और अगर इन साइज में से कोई भी हमारा फिट बैठता है तो हमें यहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर हमें अपने अकॉर्डिंग साइज करना है तो कस्टम में जाना है, इसके कस्टम में, इसके कस्टम में, आप देख लीजिए आपको कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ और यहाँ पर जैसे इसका 100% है, तो मैं यहाँ पे 50% इसको माइनस कर देता हूँ, मुझे केवल केबी में चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ओके करता हूँ, वैसे ही अपने आप को कंप्रेस कर देता है, और इधर पे जितने में कंप्रेस होता है इधर पे आपको केबी लिख के दे देता है। तो ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है। अब मैं इसको गैलरी में जाके चेक करूँगा, तो गैलरी में जाकर चेक करने पर ये मेरे को दिख जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट। हाँ, ये है इमेज कंप्रेसर। तो ये वाला अगर मैं इसका डिटेल आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए 78 KB की यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपनी फ़ोटोज़ और मार्कशीट वगैरह को आप कंप्रेस कर सकते हैं इस ऐप की सहायता से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड हर एक टेक्निकल न्यूज और एजुकेशन से रिलेटेड जॉब न्यूज हर एक अपने इस चैनल में डालते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।